मध्य प्रदेश में कुल 16 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उन सीटों पर संघ ने भी अच्छी रिपोर्ट नहीं दी है। यही वजह है कि इन सीटों को बेहद संवेदनशील मानते हुए ये तय किया गया है कि 3 सीटों पर स्टार प्रचारक खासकर नरेंद्र मोदी की सभा में जरूर कराई जाए। इन सीटों में भोपाल, खरगोन, राजगढ़, बेतुल, धार, शहडोल, मंडला, देवास, रतलाम, टीकमगढ़, ग्वालियर, मुरैना, भिंड और चंबल शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में इसलिए भेजा गया है ताकि वे वहां पर कांग्रेस से मुकाबला कर सकें। इधर भोपाल की स्थिति भी दिग्विजय सिंह द्वारा चुनाव लड़ने के कारण अच्छी नहीं रह गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इंदौर में भी सुमित्रा ताई के खिलाफ सत्यनारायण सत्तन द्वारा बगावत का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो टिकट घोषित किए गए हैं उनमें मुरैना के नरेंद्र सिंह तोमर, रीवा के जनार्दन मिश्रा, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटिक, शहडोल से हिमाद्री सिंह और मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर इन सभी सीटों पर भाजपा की स्थिति बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।